स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ग्रेट, ऑल राइट। सो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। मतलब कि कैसे एक कुत्ता को एक नया मालिक मिल गया। बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. कह रहा कि आपको पता होगा कि जो कुत्ते हैं और भेड़िए हैं एक ही फैमिली के हैं, और ये भी आपको पता होगा कि सेंचुरी से मतलब कई शतकों से जो आदमी कुत्ते को डोमेस्टिकेटेड किया, डोमेस्टिकेटेड मतलब कि उसको पालतू बनाया है और अपने इसको यूज़ के लिए रखा है। तो ये कहानी बेसिकली है कुत्ते के बारे में, कैसे वो डोमेस्टिकेटेड हुआ। पहले क्या होता था सेंचुरी पहले, कि जो कुत्ते होते थे वो जंगली होते थे। ओके, वो भी केवल जंगल में घूमते रहते थे, वो आदमी के घर में पालतू नहीं रहते थे। लेकिन बाद में वो क्या हुए, वे बदल के आदमी घर पे रहने लगे, आदमी का पेट एनिमल बन के रहने लगे। तो उसकी कहानी है कैसे वे पेट एनिमल बने, कैसे वे डोमेस्टिकेटेड हुए। स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वुल्फ्स डू इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ। कह रहा है कि कुत्ते जो थे पहले के जमाने में वे अपना मालिक खुद हुआ करते थे, वे आराम अपने मन से घूमते थे, अपने मन से खाते थे, अपने मन से जहाँ भी किसी को भी खाना वो खा लेंगे, जहाँ भी सोना सो जाएंगे। तो इस तरीके से कुत्ते रहते थे। लेकिन एक कुत्ता पैदा हुआ जो कि वो अपने आप से खुश नहीं था। वो मतलब होता है ना, जब अपने आप से कुछ ढूंढते हैं नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। तो इस तरीके का लाइफ से वो खुश नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। तो बहुत परेशान था कि दिन भर इधर घूमना उधर घूमना खाने की खोज में, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो वो बेचारा जैसे घूमता रहता था खाने की खोज में, कभी खाना मिले कभी ना मिले। और सबसे डरावनी बात तो ये थी उस कुत्ते के लिए कि उससे जो बड़े बड़े जानवर थे उससे भी उस बेचारे को डर लगता था, क्योंकि हो सकता है कि वे कभी आए और कुत्ते का शिकार करके चले जाए। तो इस सब चीज़ों से कुत्ते को बहुत डर लगता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं काम करता हूँ, मैं किसी एक ऐसे जानवर को ढूंढता हूँ जो कि मुझसे बहुत ही ताकतवर है और मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ, उसका नौकर बन जाता हूँ, कि ताकि मुझे खाना भी आराम से मिलेगा और मुझे कोई जंगली जानवर परेशान भी नहीं करेगा। And he set out to find such a master. और यही सोच के वो अपने मास्टर को मतलब एक नए मालिक को ढूंढने निकल गया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. ठीक है, तो उसके जो रिलेटिव हुआ करते थे जो वुल्फ भेड़िए, तो पहले जाके भेड़िए से मिला, जो कि ऑफकोर्स भेड़िया जो कुत्ते से ताकतवर होता है और बहुत भयानक भी होता है। Where are you going, dog? The wolf asked. तो भेड़िए ने पूछा उस कुत्ते से कि कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? तो कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं एक मालिक की खोज में निकला हूँ जो कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, जिसका मैं नौकर बन जाऊँ, वो मुझे खाना दे और रहने का जगह भी दे। तो क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together. तो वो जो भेड़िया था वुल्फ था उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बन जाओ मेरे नौकर, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है और मैं तुम्हारा मालिक बन जाता हूँ, मैं तुमको खाने के लिए दूंगा और तुमको रहने के लिए भी दूंगा। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. Dog was much surprised. तो वे दोनों बात कर लिए और दोनों में एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, आप मेरे मालिक बनो, मैं आपका नौकर बनूंगा। तो वे एक दिन टहलते हुए जा रहे थे, बात करते हुए जा रहे थे, तो अचानक क्या हुआ कि जो वुल्फ था भेड़िया ने अपना नाक ऊपर उठाया और कुछ सूंघा
और वहां से जोर से भग के बुशेस में जाके छुप गया, मतलब झाड़ी में जाके छुप गया और जंगल के अंदर वो भग गया। डॉग वाज मच सरप्राइज, डॉग को बहुत सरप्राइज लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये क्यों भग क्यों गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर ही आस्क्ड, व्हाट हैज फ्राइटन यू सो। तो उस कुत्ते ने भेड़िया से पूछा कि अरे आप डर क्यों गए, किस बात से डर लगा, कौन आपको डरा दिया। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी। तो भेड़िए ने डरते हुए कहा कि अरे तुमको दिखाई नहीं देता है, सामने एक भेड़िया सॉरी सामने एक भालू है, जल्दी भाग जाओ, मैं तो मुझे भी खाएगा और तुमको भी खाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ आस्क द बियर टू बी मास्टर। तो कुत्ते को दिमाग में आया, अरे ये तो वुल्फ से ज्यादा ताकतवर तो ये भालू है, तो क्यों ना मैं भालू को अपना मालिक बना लूँ और मैं वुल्फ को छोड़ दूँ। तो उसने वुल्फ को कहा कि भाई साहब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि आप तो भालू से कमजोर हैं और मैं किसी ताकतवर आदमी को ढूंढ रहा हूँ, ताकतवर जानवर को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरा मालिक बन सके। तो उसने बियर से पूछा और बियर भी मान गया। द बियर एग्री टू दिस रीडली एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट और फिल। तो भालू ने कहा कि ठीक कोई बात नहीं, मैं तुम मेरे नौकर बन जाओ, मैं तुम्हारा मालिक बन जाता हूँ, चलो अब किसी का शिकार किया जाए, चलो गाय का शिकार किया जाए, चलते हैं गाय के झुंड में, मैं गाय को मारूंगा और तुम भी मजे में खाना, मैं भी मजे में खाऊंगा। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू ईट दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइज, द काउज वर मूइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। तो वे लोग क्या किए, भालू और कुत्ते जाने लगे, तब तक तो उनको एक गाय का झुंड दिख गया। तो जैसे ही उन पर हमला करने वाले थे, तब तक एक बहुत खतरनाक सा आवाज गूंजा, बहुत खतरनाक सा एक आवाज आया जिसको सुनकर सारे गाय भागने लगे, इधर उधर दम परेशान होकर भागने लगे। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हास्ले डीपर इन टू द फॉरेस्ट। और बियर और भालू को भी वो आवाज सुनाई दिया और वो डर के मारे पेड़ के पीछे छुप गया, आवाज सुना, और जैसे ही उसको आवाज सुनाई दिया वो भी जंगल की तरफ भाग गया। Now, why did I have to come here? said he to the dog. Is it lion who rules the road for us in this part? तो कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे भाई क्या हुआ, आप किसे डर गए, कि कौन है? कह रहा कि अरे ये तो लायन है, शेर है, जो इस पूरे जानवर का पूरे जंगल का राजा है और शेर सबसे ताकतवर है। द लायन हु इज ही, कुत्ते ने कहा कि लायन इस शेर कौन है। डोंट यू नो ही द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो जो बियर था उसने बोला कि तुमको नहीं पता है सबसे खतरनाक जंगली जानवर है, सबसे ताकतवर जंगली जानवर है उस शेर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो कुत्ते ने कहा कि ठीक है भाई, तो फिर आप जाइए, मैं आपका नौकर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे किसी खतरनाक बहुत ताकतवर मालिक की जरूरत है और वो मुझे शेर से ही मिल सकता है, तो आपसे मैं बाय बाय करता हूँ और मैं जाता हूँ शेर के पास। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी इज मास्टर, और वहां से कुत्ता चल दिया और शेर के पास पहुंचा और बोला कि शेर महाराज मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ और आप मेरे मालिक बन जाओ। द लायन एग्री टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो लायन अग्री कर गया, कहा ठीक है, तो और वे दोनों साथ रहे और काफी समय तक वे दोनों साथ रहे। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। और वे दोनों मजे में रहने लगे और कुत्ते को कोई कंप्लेन नहीं था क्योंकि वो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर जानवर के साथ रहता था, उसको मुफ्त का खाना मिलता था, मुफ्त का रहना मिलता था, और सबसे अच्छी बात तो जंगली जानवर उसको परेशान नहीं करते थे। एंड नो वन देयर टच दैट डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे, कोई भी जंगली जानवर उसको परेशान नहीं करते थे क्योंकि जानते थे कि इसका मालिक शेर है, तो अगर इसने शेर से जाकर कुछ भी कह दिया तो शेर आकर उसको मार डालेगा। तो बड़े अच्छे से लड़ाई दोनों की गुजरने लगे थे।
But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the land stopped. तो एक दिन की बात है कि वे दोनों टहल रहे थे, ठीक है, तब तक लैंड कुछ दिखा, लैंड वहां पे रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. और उसको देख कुछ कोई चीज किसी चीज को लैंड ने देखा था और उसको इतना गुस्सा आया कि उसने हाथ से जोर से जमीन पर मारा, कितना कि गड्ढा हो गया. और फिर उसको देखा कुछ किसी चीज से डर लगा और धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा. वॉट इज इट मास्टर, इज एनी थिंग रॉन्ग, आज द डॉक्टर सरप्राइज, आज द डॉग सरप्राइज. तो कुत्ते ने पूछा कि अरे शेर महाराज क्या हुआ, कोई कुछ हुआ क्या, आप मुझे बताइए. I smell a man coming this way, the lion said. We'd better run for it or we'll be in trouble. तो लायन ने बोला कि मुझे एक आदमी दिखाई दिया है, तो हमारे लिए बेटर यही है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं. अगर नहीं भागेंगे तो आदमी बहुत खतरनाक होता है, वे हम दोनों को मार देगा. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो कुत्ते को समझ में आ गया कि मैं तो अभी तक तो शेर को सबसे ताकतवर समझता था, लेकिन सबसे ताकतवर कौन है, आदमी. उसने कहा कि ठीक है, गुड बाय शेर महाराज, मैं जाता हूँ और मैं आदमी के पास जाता हूँ. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली. और इसी तरीके से कुत्ता गया और आदमी का वफादार बन गया और जिंदगी भर वहीं रहा और उसको बहुत ही फेथफुली लॉयल्टी के साथ रहने लगा. This happened long, long ago, but to this day the dog is a man's most loyal servant and knows no other master. और ये बहुत समय पहले की बात है, लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में जो कुत्ते हैं वो अपने मालिक को यानी कि हमें हमारे ह्यूमन बींग को सर्व करते हैं और बहुत ही लॉयल होते हैं, बहुत ही फेथफुल होते हैं, हैं और किसी और दूसरे मास्टर को अब वो नहीं ढूंढते हैं. क्लियर है बेटा? तो कैसी लगी कहानी आपको कुत्ते के बारे में जान के? तो आपके यहाँ भी आसपास कोई कुत्ता हो तो उसको मारा मत कीजिए, उसको खिलाया कीजिए, ठीक है, उसको प्यार किया कीजिए. जो भी इसमें न्यू मीनिंग आए हैं उसको नोट डाउन कीजिए और इसका क्वेश्चन आंसर भी मुझे लिख के दीजिए. ओके बेटा, ऑल राइट, ओके बेटा, बाय बाय.